नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स। सो जावा ने इस सॉरी पाइथन लैंग्वेज ने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मेथड क्या होता है? मेथड्स परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। सो हर मेथड कोई ना कोई एक छोटा वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ str और मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। अब अगर मैं str को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो str डॉट, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए एक मेथड है जिसका नाम है अपर। तो हम यूज कैसे करेंगे किसी भी मेथड का स्ट्रिंग पे? पहले स्ट्रिंग का नाम, फिर डॉट, फिर मेथड का नाम। तो मेथड क्या है? अपर। फिर हर मेथड के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो क्या आ गया? देखो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। और इससे जो str की वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस आप str को देखो, प्रिंट करो, सेम वही पुराना हेलो वर्ल्ड, कोई केस चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे str अपर। और अगर आप str अपर को अब आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो वर्ल्ड। बट str की वैल्यू अभी भी वही सेम होगी। उसी तरह एक और मेथड है लोअर, str डॉट, मेथड का नाम क्या है? लोअर। ये क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगेन आप चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो जो वैल्यू लोअर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। str स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड हैं। अगर सारे मेथड्स का नाम जानना है तो str के बाद डॉट और फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करो। जुपिटर नोटबुक का फीचर है कि वो सारे मेथड्स का नाम यहाँ शो कर देगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, इंडेक्स, ओके। ये सारे मेथड्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं हर मेथड की बात यहाँ पे नहीं कर सकता। मैंने अभी दो मेथड का बात किया है और एक दो मेथड का और मैं बात करने इस वीडियो में जा रहा हूँ, और आने वाले वीडियोज़ में कुछ और मेथड्स हम लोग देखेंगे और बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा स्प्लिट, split। स्प्लिट मेथड क्या करता है? हमारे स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी मैं अगर इसको रन करूं तो ये देखो क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। लिस्ट क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हेलो एक अलग स्ट्रिंग बन गया, वर्ल्ड एक अलग स्ट्रिंग बन गया। सो बेसिकली यहाँ पे स्प्लिट ने किया क्या, हमारा जो स्ट्रिंग था str के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड ना। सो हेलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे str के अंदर क्या है, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, हमारे str के अंदर है हेलो वर्ल्ड। तो अभी स्प्लिट में हमने पैरेंथेसिस के बीच में कुछ भी पास नहीं किया है, तो स्प्लिट ने स्पेस के बेसिस पे हमारे str को स्प्लिट कर दिया। मान लो इस str में होता हेलो वर्ल्ड, हाउ द थिंग्स आर गोइंग। मैं सेल को रन करता हूँ और अब मैं str डॉट स्प्लिट को रन करता हूँ, देखना क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, हाउ द थिंग्स आर गोइंग, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस पास भी कर सकते हो स्प्लिट के अंदर, अभी भी सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि इस स्पेस, ये देखो हेलो, तो लिस्ट में पहला हमारा क्या मिला है, हेलो मिला है, और उसके बाद क्या है, हेलो के बाद स्पेस है हमारे स्ट्रिंग में, तो स्पेस को इग्नोर कर दिया, और स्पेस के बाद अगला जो वर्ड है वर्ल्ड इंक्लूडिंग एक्सक्लेमेटरी साइन, वो लिस्ट का अगला एलिमेंट हो गया। फिर वर्ल्ड के बाद क्या है स्ट्रिंग में, स्पेस है, तो स्पेस के बेसिस पे हमें स्प्लिट करना है, तो स्पेस को अगेन इग्नोर कर दिया। फिर अगला क्या है, हाउ, तो लिस्ट का अगला एलिमेंट क्या हो गया, हाउ, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं एस और इसमें स्टोर करते हैं हे दिस इज दिस, ओके। ये हमारा स्ट्रिंग है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। आई नो है कि स्पेलिंग गलत है, मैं जानबूझ के आई वहाँ पे आ जाए इसलिए मैंने किया था। तो अगर एस को हमें स्प्लिट करना है तो स्प्लिट आप किसी भी बेसिस पे कर सकते हो, स्पेस के बेसिस पे या किसी लेटर के बेसिस पे। सपोज आपको आई के बेसिस पे स्प्लिट करना है तो आई मैंने दे दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा, हमारे लिस्ट में जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हे, और उसके बाद क्या है, आई, तो आई के बेसिस पे तो स्प्लिट करना है, तो कंप्यूटर आई को इग्नोर कर देगा। उसके बाद क्या आएगा,
तो आई के जस्ट बाद से शुरू हो जाएगा, स्पेस टी एच, ए हमारे लिस्ट का अगला ऑब्जेक्ट होगा, फिर कंप्यूटर आई को इग्नोर कर देगा और अगला एलिमेंट क्या होगा, फिर एस और फिर स्पेस, फिर आई आ गया तो कंप्यूटर फिर आई को इग्नोर कर देगा, फिर अगला एलिमेंट क्या होगा तो एस स्पेस, फिर से आई आ गया तो कंप्यूटर फिर इग्नोर कर देगा, अगला एलिमेंट क्या होगा जे, जे के बाद फिर आई आ गया तो कंप्यूटर आई को फिर इग्नोर करेगा और अगला एलिमेंट क्या होगा एस एच। देखो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो जो मैंने बोला था। सो आई होप एक क्लियर हो गया होगा कि किस, यहाँ पे देखो आई यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में आई को भी ले लिया है जो एजेस का आई है। उसका रीजन ये है कि आई हमने क्या पास किया है लोअर केस में, तो जो लोअर केस वाला आई है उसी के बेसिस पे स्प्लिट करेगा, अपर केस आई को नहीं लेगा, ठीक है, मतलब अपर केस के आई के बेसिस पे स्प्लिट नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ लोअर केस में पास किया है। अब आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे माई लिस्ट, अब ये लिस्ट हमारे माई लिस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप देखो माई लिस्ट को प्रिंट करते हो आ गया, आप चाहो तो ये तो नॉर्मल जुपिटर नोटबुक का है कि वेरिएबल लिख के आप रन कर दोगे आउटपुट शो कर देगा, आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन देन क्लोज। सो अभी हमने तीन मेथड के बारे में देखा, ये तीनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रिंग में। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और मेथड्स की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग, प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे और फॉर्मेटिंग के बारे में। हम लोग प्रिंट फंक्शन के बारे में अभी इतना ही जानते हैं दैट प्रिंट, और ये क्या करता है, कुछ प्रिंट करता है जैसे हेलो, बट प्रिंट फंक्शन बहुत पावरफुल है, इसके अलावा बहुत कुछ कर सकता है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सो हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। थैंक यू।